अल्ताफ, लेक्चरर ऑफ H&E एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी डाइट मॉडलिंग एंड काउंसलिंग. हम डाइट मॉडलिंग एंड काउंसलिंग में जो है वो कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स स्टडी कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से जो है वो हम अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं किसी भी पेशेंट की. आज जो है वो हम डिजीज़ के अकॉर्डिंग काउंसलिंग स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम काउंसलिंग फॉर रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ ओबेसिटी. ओबेसिटी क्या होती है? हमें पता है कि जब हमारी बॉडी में जो है वो फैट जो सेल्स जो है वो अकमुलेट ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा वेट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, तो उसे ओबेसिटी कहते हैं. ओबेसिटी जो है वो दो तरह से हो सकती है. एक, नंबर ऑफ़ फैट सेल्स इंक्रीज़ होते हैं, इंक्रीज़ हो जाएंगे, या फिर जो है वो साइज़ ऑफ फैट सेल्स इंक्रीज़ होगा. नंबर अगर फॉर एग्जांपल जो ओबेसिटी की जो है वो स्टार्ट होता है वो ऐसे होता है कि हमारी जो बॉडी में फैट सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो फैट सेल्स जो है वो हमारे एडिपोज टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं. अगर हम जो है वो अपनी डाइट में जो है वो फैट कंजप्शन जो है वो कंटिन्यू रखें, तो फैट सेल्स जो है वो नंबर ऑफ इनिशिएशन होगी फैट डस, तो फैट सेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. हमारी बॉडी में अगर हमारी बॉडी में नंबर ऑफ़ फैट सेल्स इंक्रीज़ होने के साथ साथ भी हम अपनी डाइटरी कंजप्शन ऑफ फैट जो है वो रिड्यूस ना करें और कंटिन्यू रखें, तो फैट सेल्स जो है वो साइज़ में भी इंक्रीज़ कर जाएंगे और नंबर में भी. स्पेसेस जो है वो हमारी बॉडी में फिल होती चली जाती हैं और साइज़ में भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, और तो फिर ये फाइनली जो है वो ओबेसिटी कॉज करते हैं. अगर हम अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन कर दें तो हो सकता है कि जो नंबर ऑफ ये जो इनलार्ज हुए हैं ये साइज़ में तो रिड्यूस हो जाते हैं फैट सेल्स, डाइटरी आप फॉलोअप करें या डाइटरी रिकमेंडेशन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू साइज़ में तो कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन नंबर जो है वो इनके कॉन्टीन्यूस रखते हैं. इसलिए जो है वो ओबेसिटी को कंट्रोल करना जो है वो एक मुश्किल काम है. जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास कोई पेशेंट आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा ये ओबीज है या नहीं है? तो हम उसके लिए उसका BMI करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम कहते हैं. इसके लिए हम जनरली फार्मूला यूज़ करते हैं, वेट इन kg ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर. BMI की जो है वो कुछ वो हम जो चार्ट फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू BMI जो है वो, अगर BMI जो है वो लेस देन 17.5 है तो वो अंडर वेट होगा, ठीक है. अगर जो है BMI 18 से लेके 24.9 तक है तो उसको हम नॉर्मल बॉडी वेट कंसीडर करेंगे. अगर BMI जो है वो हमारा 25 से लेके 29.9 तक है तो उसे हम ओवरवेट और ओबेसिटी में फ़र्क है. ओवरवेट जो है वो आप अपनी डाइटरी कंजप्शन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ जो है वो जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं. 29 से अबव अगर चला जाए, मतलब 30 है, 30 से कंसीडर कर लें कि 35 तक है तो वो ओबेसिटी है. देन अगर 35 से 38 तक आ जाता है तो ओबेसिटी क्लास 2 को कहेंगे हम, और 40 पे अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको हम मॉर्बिड ओबेसिटी कंसीडर करेंगे, जिसके लिए फर्दर जो है हम आगे जो है वो हम ये करते हैं कि उसमें सर्जरी और ड्रग जो है वो कंपलसरी आ जाती है उसकी.
अब हमारे पास कोई क्लिनिकल सेटिंग में पेशेंट आ गया जिसका सबसे पहले हमने बीएमआई ले लिया, हमें बीएमआई से ये पता चल गया कि जो है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। बीएमआई लेने के बाद जो है उसका एनर्जी एक्सपेंडिचर रेट आमतौर पे लेंगे, ईईआर जिसको हम कहते हैं। इसके लिए हम जो है वो एस्टिमेटेड एनर्जी रेट को जो है वो हम मेल और फीमेल के लिए दो तरह के फार्मूले यूज़ करते हैं। मेन के लिए जनरली जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो है, समटाइम आपको ये डिफरेंट टाइप के भी मिल जाते हैं लेकिन सही जो है वो होते हैं। इसमें रेंजेस का जस्ट फ़र्क आ जाता है, 9.566 माइनस 9.53 मल्टीप्लाइड बाय एज इन ईयर्स, देन उसके बाद प्लस फिजिकल एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 15.91 मल्टीप्लाइड बाय वेट इन केजी प्लस 539.6 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इन मीटर। और वुमेन के जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं जनरली 354 माइनस 6.19 मल्टीप्लाइड बाय एज इन ईयर प्लस फिजिकल एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 9.36 मल्टीप्लाइड बाय वेट इन केजी प्लस 726 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इन मीटर। जनरली जो है वो एनर्जी एक्सपेंडिचर रेट के लिए जो है हम ये इक्वेशंस अपने मेल या फीमेल पेशेंट के लिए यूज़ करके उनका जो है वो टोटल कैलोरीज निकाल देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके अंदर एज डालने के बाद, हमारी वेट डालने के बाद और हाइट डालने के बाद, फार्मूला यूज़ करने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर हमारी किसी पेशेंट की 3000 कैलोरीज निकली हैं और वो हमने बीएमआई के अकॉर्डिंग देखा तो वो ओवरवेट था, तो हम उसकी जो उसकी एस्टिमेटेड एनर्जी निकली है उसमें से 500 कैलोरीज अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन में कम कर देंगे। इन केस वो ओबेसिटी में लाए करता है और उसकी कैलोरीज 3000 आई हैं तो हम उसकी कैलोरीज में से 1000 कैलोरीज कम करा के उसको डाइट प्लान बनाएंगे। ईईआर निकालने के बाद, बीएमआई निकाला आपने, ईईआर निकाल लिया, अब आ जाती है काउंसलिंग की बारी। ज़्यादातर जो है वो हमने ये देखा कि ओबेसिटी जो है वो हमारी किस किस हमारी ओबेसिटी की कॉजेज़ क्या हैं। हमारी ओबेसिटी की कॉजेज़ ये होती हैं, या तो जो है वो जेनेटिक हो सकती है, या जो है वो हमारी हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जैसे हमारा लेप्टिन हार्मोन है जो कि हमारी भूख को कंट्रोल करता है वो सही काम नहीं कर रहा, और जैसे हम खाना खा लेते हैं और वो हमें जो है सेटिस्फेक्शन का सिग्नल ही नहीं देता हमारे ब्रेन को और हमें मज़ीद भूख लगती जाती है, या हमारा एक और हार्मोन होता है ये भी ग्रोथ रिलेटेड है ग्रेलिन, ये डिस्टर्ब है, या फिर हो सकता है कि लाइफस्टाइल हमारा जो है वो बहुत मुतासिर करेगा, कि कोई ऐसा बंदा है जिसके सोशल हैबिट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो ईटिंग आउट बहुत ज़्यादा करता है, फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, फिज़िकल एक्टिविटी हमारी जो है अगर बिल्कुल नहीं है तो। तो भी हमारी ओबेसिटी कॉज होगी। अदर जो है वो सोशल इंटरेक्शंस इसमें आ जाएंगे, फ़ास्ट फूड कंजप्शन आ जाएगी, हाई कैलोरिक डाइट्स हैं हमारी, ओबेसिटी की जब हम मैनेजमेंट करते हैं जनरली तो हम इसमें जो है वो फोर वेज यूज़ करते हैं ओबेसिटी की। फॉर एग्जांपल हमने ओबेसिटी की जो है वो हमने मैनेजमेंट करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एजुकेशन, फिर हम डाइट, फिर हम ड्रग, और फिर फर्दर जो है वो हम उस पर जाते हैं वो हमारा क्या है, सर्जरी या अग्रेसिव ट्रीटमेंट कह सकते हैं इसको हम। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आया तो सबसे पहले हमने उसको बताना है कि उसकी डिजीज़ से उसको क्या रिस्क हो सकते हैं, कौन कौन सी जो है ओबेसिटी जो है वो इसको हम एज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम कंसीडर करते हैं। ओबेसिटी ही आगे जाके लाए करेगी हाइपरटेंशन पे, डायबिटीज़ पे,
हार्ट डिजीज पे, स्लीप एपिलिनिया हो जाएगा, नींद सही नहीं आएगी, ओबेसिटी वाला पेशेंट जो है वो फिर आगे जो है वो डिफरेंट किस्म के कैंसर्स भी हमारे ओबेसिटी से कॉज होते हैं। वेट मैनेजमेंट हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब जब हम डाइट थेरेपी पे आते हैं, डाइट थेरेपी के साथ साथ जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ओबेस पेशेंट आ रहा है, अगर हम उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो साथ साथ सबसे पहले हम उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। पेशेंट का ज़्यादातर मसला क्या होगा कि वो जो है वो ईटिंग आउट करता होगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, या उसकी जॉब रूटीन आपने चेक कर लेनी है कि जॉब रूटीन क्या है। फिर उसको गुड फैट और बैड फैट के बारे में बताना है, एनर्जी कैलोरीज वगैरह नहीं, इसमें लो सोडियम इंटेक करना है। सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट्स की मैनेजमेंट पे आ जाएं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर, जो एडिड शुगर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा वेट गेन कॉज करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी उसकी कंजप्शन जो है वो हमें कम करनी है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देने हैं हमने ताकि वो देर से डाइजेस्ट हों, और जो सिंपल शुगर्स हैं जैसे हमारे ग्लूकोज फ्रुक्टोज, इनको जो है वो हमने रिड्यूस करना है। कार्बोहाइड्रेट हमने क्वांटिटी से कम देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डेली रिक्वायरमेंट में जाएं तो 45 से 65% तक जो है वो हमारा डेली जो है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है, तो हम उसको लिमिट करके जो है वो 40 से 45 पे ले आएँ। और उसमें हमने डाइटरी फाइबर से हमने ज़्यादा पार्ट देना है, उसका डाइटरी फाइबर हमने उसकी इंक्रीज़ करनी है। प्रोटीन इंटेक नॉर्मल ही रखना है, जनरली जो है वो 0.8 से लेके 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे हमने प्रोटीन उसको रिकमेंड करनी है। फैट में अगर हम आ जाएं तो फैट की जनरली जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है वो 30 से 35 होती है, तो हम उसको ज़रा माइनर कर दें और 25% फैट कंजप्शन पे आ जाएं। और हम कहाँ से दें उसको, जो ज़्यादातर फैट हमने देनी है वो पूफा और मूफा सोर्सेस देनी है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से ज़्यादातर हमने फैट की देनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ओलिव ऑयल आ जाएगा इसमें, वेजिटेबल सोर्स ऑफ ऑयल को हमने प्रमोट करना है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सोर्स ऑफ फैट। इसके साथ साथ विटामिन्स और मिनरल पे आ जाएं तो उसका इंटेक जो है वो हमने इंक्रीज करना है। प्रेफर करना है कि रॉ वेजिटेबल जो है वो लें जनरली अपनी फूड में, और वो ऐसी फ्रूट्स जो कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई है, उनका शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, उनको हमने अपनी फूड में जो है वो ज़्यादा नहीं लेना। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा, मेलन्स आ जाएंगे, कैरेट, बनाना, स्टार्ची वेजिटेबल और फ्रूट्स इसमें आ जाएंगी, पोटैटोस। इसके साथ जो ये हमने अपनी डाइट में जो है वो लेस करने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ जो है वो अगर हम कुकिंग मेथड की बात करें तो जनरली हमें ये काउंसलिंग की भी ज़रूरत है कि वो अपनी कुकिंग टेक्निक्स जो है वो चेंज करें। कुकिंग टेक्निक्स चेंज करने से ये होता है कि वो डीप फ्राई जो है कोई भी फूड जो है वो डीप फ्राई फॉर्म में लेने की बजाय उसको जनरली जो है वो ग्रिल फॉर्म में ले लें। अगर पोटैटो चिप्स कोई बहुत ज़्यादा लाइक करता है तो वो उसको डीप फ्राई करने की बजाय जो है वो पोटैटो को जो है वो ग्रिल फॉर्म में करके कंज्यूम कर लें, तो उसके बेनिफिशियल ये उसकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। देन उसके बाद जो है वो फिजिकल एक्टिविटी साथ साथ इंक्रीज करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी में ऐसा है कि जनरली जो है अगर कोई पेशेंट जो है वो आमतौर पे उसका कोई वर्क ऐसा है कि वो सारा दिन बैठ के कोई कंप्यूटर वर्क करता है, तो जनरली हम उसको गाइड करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेयर चढ़ा करें, लिफ्ट के थ्रू ना जाएं, स्टेयर चलें, रोज़मर्रा का काम अपना अपनी डेली एक्टिविटी में जो है वो अदर देन एक्टिव लाइफस्टाइल आप थोड़ा सा जो है वो आप एक्सरसाइज ऐड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 से 15 मिनट पे उसको ले आएँ।
उसके बाद जो है वो 10 to 15 minutes के बाद फिर उसके बाद इंक्रीज़ करें 15 to 20 पे ले जाएं, और फिर मॉर्निंग इवनिंग 2 times में जो है वो ब्रिस्ट वॉक पे ले आएँ उसको, डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ साथ। इसके अलावा आपने देखना है कि कोई भी अगर फास्ट फूड करता है तो उसको स्टार्ट में ऐसा है कि वीकली आप जो ऐसा कर लें कि एक आधा दिन मार चले जाएँ या 2 दिन जो है वो बाहर से कोई भी फूड कंज्यूम कर सकते हैं। और थर्ड इस पे ये आ जाता है कि शुगर बेवरेजेस जो है आप ऐड करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हर खाने के साथ कोई ना कोई लाजमी लेता है और मोस्टली घरों का हिस्सा होती है, तो कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें एज़ कम्पेयर टू ये जो आप प्रोसेस्ड जूसेस वगैरह लेते हैं। प्रोसेस्ड जूसेस को जो है छोड़ के उसके बजाय आप रॉ फ्रूट को कंज्यूम करें, एडिड शुगर से परहेज़ करें। ये जो है वो कुछ टिप्स थी जो कि हम काउंसलिंग में डाइटरी ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए उसकी काउंसलिंग में यूज़ करते हैं। फर्दर इंशाल्लाह हम कोई नेक्स्ट डिजीज़ जो है स्टडी करेंगे।